ठीक है इसका ड्रीम मॉल काफी अलग अलग चीजें हैं। मैंने ना सिर्फ और सिर्फ दुबई में सुना था कि ऐसी चीजें होती है। ना मॉल के अंदर वाटर पार्क, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जैसे आप सिर्फ इमेजिन कर सकते हो कि आउटडोर में हो। नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सबके हाल। मेरा नाम है ऋतु और अभी वीकेंड है एंड आज का जो बाहर का मौसम है वो काफी ज्यादा अच्छा है। सुबह मतलब हल्की हल्की बारिश हुई थी, अभी भी थोड़ा विंडी है। मैं ऐसे हवा पता कर लेती हूँ कि बाहर मौसम क्या है, थोड़ा सा विंडी है। तो हमने सोचा कि न्यूयॉर्क अगर हम जाएंगे तो थोड़ा पोपट हो सकता है, तो कुछ नया ट्राई करते हैं। अभी एग्जैक्टली नहीं पता कहाँ जाना है क्योंकि अभी हम सोच रहे हैं। एंड ऑल्सो वी हैव प्रशांत। हेलो, कैसे चल रहे हैं डेली व्लॉग्स? अभी तक तो सही चल रहा है, बाकी आगे पता चलेगा। आज का दिन आप जब हमारे साथ बिताओ आपको अच्छा लगेगा। ब्रेकफास्ट में मैं खा रही हूँ छोले और दाल मखनी। ये दोनों चीजें मैंने नहीं बनाई है, ये बाहर मार्केट में एक टिफिन सर्विस है, वहां से हम लाए हैं। एंड अभी बस टीवी ऑन होगा और कुछ प्लांट्स के जो पैटर्न है मैंने बदल दिया। आई थिंक यहाँ पे पहले नहीं थे, अभी डाल दिया, सो आई थिंक लाइक दे आर लुकिंग गुड। और बस प्लान ये है कि मैं खाना खाती हूँ और फिर निकलेंगे। फर्स्ट थिंग दैट आई डू एवरी मॉर्निंग इज लाइटिंग दिस दिया। तो मैं ऐसे धार्मिक टाइप नहीं हूँ, मतलब मैं ऐसे हूँ कि मुझे ना मतलब 5 मिनट दे के पूजा करना अच्छा लगता है। एंड आई ऑलवेज फील थैंकफुल टू गॉड। और हमारे पास इतनी सारी बॉटल्स हैं, अभी हम जा रहे हैं अमेरिकाज ड्रीम मॉल और वहाँ पे यूएस का सबसे बड़ा मॉल है, राइट? सो दैट इज़ US का सबसे बड़ा मॉल। तो मतलब मॉल अपने आप में यहाँ बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो सबसे बड़ा वाला होता है, सबसे ज़्यादा बड़ा होगा तो निकलते हैं। मैंने फिर से कुछ कांड कर दिया है हमेशा की तरह, मैं अपना फ़ोन भूल गई हूँ। और क्योंकि हम मॉल जा रहे हैं तो ऐसा बहुत बार होता है कि मैं ब्लॉग बनाते बनाते किधर उधर चली जाती हूँ। सो वी आर बैक, फ़ोन लेके जाएंगे अभी। हम पहुंच गए हैं एंड दिस इज अमेरिकाज ड्रीम, दिस इज द बिगेस्ट मॉल इन द US। इसकी पार्किंग अपने आप में मॉल टाइप है, बहुत बड़ी पार्किंग है, पीछे भी सारी पार्किंग है। एंड सीन ये है कि इतनी बड़ी पार्किंग में ना हमारे साथ बहुत बार कांड हो चुका है। हम लोग अपनी गाड़ी पार्क कर लेते हैं, दोनों हाथ हिलाते हुए चले जाते हैं एंड देन उसके बाद वापस आते तो हमें गाड़ी नहीं मिलती। बट अब की बार हमने फोटो ली है कि हमने गाड़ी कहाँ पार्क की है। एंड बस अभी हम चलते हैं अंदर मॉल के। वी हैव अराइव्ड एंड हम बड़े सही टाइम पे आए हैं, जो कि एक्सटेंडेड वीकेंड, पीछे बहुत सारी भीड़ है एंड यहाँ पे ना बहुत सारी चीजें हैं। तो निकोटिन यूनिवर्स है, यहाँ पे सी लाइफ भी है, सी वर्ल्ड करके देखा, सी वर्ल्ड टाइप चीजें देखी थी, काफी इंटरेस्टिंग लग रही हैं, मतलब डिफरेंट एंड इंटरेस्टिंग। तो देखते हैं कैसे इन्होंने इसके अंदर बना दिया, इट्स अ ब्रेनर। दुबई में सुना था कि ऐसी चीजें होती है, तो यहाँ पे मैंने पहली टाइम देखा। तो क्या है ना, पीछे तो स्नो है एंड इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑलटुगेदर। आप अंदर जाके स्नो में स्कीइंग कर सकते हो। और यहाँ पर प्रशांत जैसे हम लोग करने गए थे स्कीइंग एक बार, तो मतलब आप ट्रॉली से ऊपर जाओगे नीचे आओगे तो सारा एक्सपीरियंस है। $15 है प्राइस अगर आपको सिर्फ देखना है, अगर आप करना है कुछ और पैसा होगा। आपको मतलब अगर तुम्हें दिल्ली में, तुम मेरी तरह दिल्ली से हो और तुम्हें कहना है तुम्हें कश्मीर जाना पड़ेगा, यहाँ पे मतलब मॉल के अंदर है। आई थिंक मॉल ऑफ इंडिया में जुलाई में, मतलब आई थिंक मॉल ऑफ इंडिया में भी है ऐसी चीज, बट ये वाला काफी ज्यादा बड़ा है। मतलब दिस वॉज अ डिफरेंट वर्ल्ड, मतलब बहुत बड़ा था। एंड ये पूरी जो शॉप है इसमें आपको अगर स्कीइंग विंग करनी है तो सामान ले सकते हो। अपन अपना हो गया, अपन चल रहे हैं दूसरी तरफ, अपन चलते हैं। मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, ये सब कुछ मॉल के अंदर है यार, मतलब ऐसा सिंगापुर टाइप में मैंने देखा है ना, वो एयरपोर्ट के अंदर वैसा कुछ है। मतलब वो तो बहुत ज्यादा है, बट रुक यार, मतलब इसके अंदर पूरा का पूरा प्लांट्स है, नकली बनीज है। अंदर लोग ब्यूटीफुल मैन, बहुत सही लग रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि मतलब ये मॉल के अंदर है। माय गॉड, देखो वेगास की याद आ रही है, वेगास में भी ऐसे होता है ना अंदर। नाम ठीक है इसका, ड्रीम मॉल, काफी अलग अलग चीजें हैं एंड काफी कूल है। तो ऐसे ना मतलब
ये इतना बड़ा मॉल है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कहाँ से शुरू करें और कहाँ पे ख़त्म। पीछे आपको दिख रहा होगा ऐसा, मतलब दिस इज़ ह्यूज, बहुत बड़ा है। एंड नीचे भी मतलब काफ़ी ज़्यादा स्पेस है बैठने का। एंड सीन ये है कि अभी अमेजोन 4-स्टार एक शॉप है यहाँ पे, जैसे अमेजोन का ऑनलाइन शॉप होता है ना वैसी है। गोइंग इनसाइड एंड चेकिंग इट आउट, मैंने आज तक नहीं देखा अमेजोन स्टोर, तो कुछ अच्छा होगा देखते हैं। और दिस इज लाइक कि हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, क्योंकि बड़ा ही कूल है। मतलब यहाँ पे ना जैसे आपको अमेजोन में बहुत सारे सेक्शन दिखते हैं, होम एंड अप्लायंसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स और जो भी बच्चों का सामान, सब कुछ, टॉडलर सब चीज़ें हैं, फ्रॉम बुक्स टू एवरीथिंग, मतलब सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे। एंड ना जब मैं उसका नेम प्लेट पढ़ रही हूँ तो उसमें प्राइस लिखा हुआ है, प्राइम प्राइस लिखा हुआ है, कितने रिव्यूज़ हैं वो लिखा हुआ है, तो काफ़ी कूल है। तो मेरी मम्मी को ना ऑनलाइन थोड़ा सा लगता है पैसा ले लेंगे तो अच्छा सामान आएगा, नहीं आएगा जो सबसे ज्यादा कूल चीज ये लगी इसमें ना, लिखा हुआ है कि कितने ज्यादा रिव्यूज हैं, कितना स्टार है, कितने पैसे हैं, सब कुछ है कहीं ना तो प्राइम प्राइस भी लिखा हुआ है, तो मतलब आपको प्राइम मेंबरशिप है तो आपको इतने का मिलेगा। दिस इज अ कूल कॉन्सेप्ट मैन, बहुत सही है ये। पसंद है तो आप कर सकते हो, और मेरी तरह अगर आपको देखना पसंद है तो आप देख भी सकते हो। मतलब यार जुलाई के मौसम में आपको इतना अच्छा आइस स्केटिंग ड्रीम मिलेगा, मतलब आपको वेट नहीं करना है कि नवंबर आएगा दिसंबर आएगा। ड्रीम मॉल के अंदर ये भी है, ड्रीम मॉल को मुझे अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लेना चाहिए आई गेस, मैंने इतना उनको कर दी। कितने लोगों की ब्रांड एम्बेसडर बनेगी तुम? नाइकी, ड्रीम मॉल, अभी कोई अपने आपको बना नहीं रहा मेरे को, तो मैं पूरी बोलती रहती हूँ। स्पेसिफिकली लगता है कि यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ है, जैसे कि आइस स्केटिंग हो गई या फिर स्कीइंग हो गई, वो सब मतलब अपने को नहीं आती, बट यहाँ पे जो बच्चे पढ़ते हैं ना उनको आती है, क्योंकि वो लोग बचपन से ही ना ऐसी चीज़ें करते हैं। फॉर एग्जांपल स्विमिंग मुझे नहीं आती, ही नोज हाउ टू डू इट, बट यहाँ पे जैसे समर कैंप्स होते हैं या फिर कुछ भी होता है तो बच्चे सीख ही जाते हैं। आई थिंक दिस इज जनरेशन, पता है मुझे क्या लगता है, दिस इज जनरेशन गैप। अपने टाइम पे ये सब चीज़ें नहीं होती थी, अभी आजकल के बच्चे इनफैक्ट इंडिया में भी ये सब चीज़ें कर रहे हैं। यूएस में भी यही है, ये स्विमिंग विमिंग है ना, तो पुरानी जनरेशन वाले इतने लोगों को नहीं आती है। नहीं, में तो आती ही चाहिए, नई वालों को तो आती ही है, मतलब यहाँ पे ना डर वर भी नहीं लगता। छोटे बच्चे को अगर आए ना आए वो स्नो में फेंक देते हैं कि भाई तू सीख ले। तो अभी हम एक और जगह आ गए हैं एंड ऐसा लग रहा है कि मैं बच्चों के बीच में हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं। अगेन यहाँ पे पीछे ड्रीम वर्क वाटर पार्क है, मतलब मॉल के अंदर वाटर पार्क, वो याद है बचपन में जिस दिन आपको घर जाती थी तो वहाँ पे स्लाइड्स होती है और पानी होता है। दिस इज ऑल इन साइड अ मॉल, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना आप। ये जो पीछे है वो निकलोडन यूनिवर्स है, यहाँ पे बहुत सारे हम झूले हैं। आज प्लान ऐसा है कि आज नहीं जाना, इट इज ओके, मैं भी करूँ दोस्त का मदद। जब कोई बच्चा होगा साथ में तब जाएंगे ना, किसी बच्चे को पकड़ लेंगे अपन। और ये पीछे एक शुगर है, इतनी बड़ी कैंडी शॉप है, मतलब दो तीन फ्लोर की कैंडी शॉप है। यहाँ पे बच्चे जाते हैं अपने माँ बाप के पैसे घूमते हैं और अपने दांत खराब करते हैं। एज ऑफ नाउ यार बहुत सही जगह है, मतलब ये जो पूरी वाइब है इस जगह की, दिस इज ऑल फॉर चिल्ड्रन, इतने बच्चे देख लिए मैंने आज। तो यहाँ पे दिस इज द हाईलाइट फॉर छोटू बच्चा। तो जैसे मान लो यहाँ पे रोलर कोस्टर है, एक वो ट्रेन वाली झूला है, अगेन अंदर बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे झूले हैं। इट इज सुपर सुपर फन टू बी, बट आई गेस मी, हम बड़े हो गए हैं इसके लिए, राइट? नहीं पता नहीं, मैं हो गई हूँ, मतलब मुझे लगता है अपन थोड़े खतरनाक झूले में जाएंगे ना, जिससे काफी बचकाना। अपन सिक्स फ्लैग जाएंगे और वाटर पार्क भी है, बट आज हमारा सीन ऐसा है कि हमारा हो गया ऑलमोस्ट, हम कपड़े भी नहीं है वाटर पार्क के। हाँ, तो अभी कुछ हवाई करें, देखते हैं, चलते हैं। Let's do some Hawaii and then we'll leave. बहुत ये जगह बहुत सही है, और यहाँ पे ऐसे सजा रखा है, ये सारी की सारी कैंडीज है, और वैसे कैंडीज ले सकते हैं 2.99 फॉर्जिस है। और क्या सीन है ना कि यहाँ पे आपके पास एक पैकेट होगा, जैसे कि मेरे पास है, यहाँ पे ग्लव्स मिलेंगे, आपको जो भी कैंडी चाहिए
से खोलो, इसमें डालो और तो वेट के हिसाब से पैसा होगा। कैंडी जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, इसका नाम है जॉइंट जॉब ब्रेकर, मतलब अगर आप खाओगे तो हो जाएगा। मुझे तो बहुत सही लगा, मुझे भी सही लगा, काफी सही है। तो यहाँ पे ना एक और चीज है इंटरेस्टिंग, आपको अगर ये जिराफ दिख रहा है, ये जिराफ लेगो से बना रखा है, तो यहाँ पे लेगो लैंड भी है, तो अंदर काफी कूल चीज है, अभी सोल्ड आउट है। एंड ऑल्सो सी लाइफ है, सी लाइफ तो गया था, एक बार एक्वेरियम में गए थे तो वहाँ पे वो सी लाइफ थी। एंड अभी हम एक और स्टोर में जा रहे हैं, बट दिस इज लाइक अ नॉर्मल स्टोर, इससे बड़े स्टोर्स भी होते हैं। मतलब लेगो के बड़े बड़े स्टोर्स में ना इस टाइप की मस्त मस्त चीजें बना रखी होती है लोगों ने, लेगो तो कूल लग रहा है, बहुत ही कूल लगते हैं। यूके में एक लेगो का स्टोर था, वहाँ पे उन्होंने क्वीन एलिजाबेथ बना रखी थी पूरी लेगो से। बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें, अपन जाएंगे जब तक बताएंगे आपको, तब व्लॉग बनाएंगे। अभी हम लोग निकल रहे हैं एंड यहीं से हमने स्टार्ट किया था और वापस से अभी हम ऊपर जा रहे हैं, तो हमें लगा कि दिस इज अ साइन कि हमें निकल जाना चाहिए। अभी 4 बजने वाले हैं और मेरे पता है 4,500 स्टेप हो गए, तो मतलब मैंने अपने आप को खूब पेल दिया आज। अभी घर जाके अपन आइसक्रीम खाएंगे एंड अच्छा था ना, मस्त था, मुझे ना काफी अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा। आई थिंक मतलब एक टाइम आना, और अगर आपके बच्चे नहीं है तो आप जरूर आना। मतलब मुझे लगा था यार कि मॉल है, मतलब मॉल है क्या ही होगा, बट काफी काफी फन जगह है और काफी अलग अलग चीजें, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जैसे आप सिर्फ इमेजिन कर सकते हो कि आउटडोर में होंगी। सो इट वाज फन, इट वाज फन। आइस स्केटिंग, स्कीइंग, यार स्कीइंग इन्होंने इंडोर में रखी है, और तो क्या ही है। तो चलो अभी घर चलते हैं और घर जाके मिलेंगे, बाय। अभी इवनिंग के 7:30 बज रहे हैं, मैं घर आके बिंदास 1 घंटा सोई एंड अभी हम लोग डिनर में ना मोमोज कर रहे हैं। आज ऑनेस्टली मतलब बिल्कुल ऐसा हो रहा है कि कुछ कर ही नहीं सकते, तो मैंने सोचा आज मोमोज क्विक क्विक कुछ खाते हैं। और ये वाले मोमोज हम 2 दिन पहले ही लाए हैं, आपको याद होगा ये हम लोग एवरेस्ट मोमोज लाए थे, सो दिस इज एवरेस्ट मोमोज। इसका एक रेस्टोरेंट भी है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट आई गेस है मैनहट्टन में, तो उसी तरीके के कुछ अच्छे से मोमोज है, मॉर्निंग के टेस्टी होंगे। तो दीज आर द मोमोज जो मैंने बनाए हैं, देखने में बहुत ही सही है यार, खाने में दे आर ओके, नॉट दैट ग्रेट। और बाहर अभी भी बारिश हो रही है, मतलब मौसम अच्छा है, थोड़ा थोड़ा बारिश हो रही है, फिर ओके चल रहा है। और ये एक ना इंटरेस्टिंग चीज है, अभी 2-3 दिन पहले मस्त गर्मी हो रही थी, मतलब इतनी ज्यादा, बट फिर उसके बाद, और अभी ऐसा हो रहा है कि हम लोग को ऐसे कंबल लेके बैठना पड़ रहा है घर के अंदर। और अभी हम टीवी में कुछ अच्छी सी मूवी देख रहे हैं एंड हम शाम को आधा घंटा टीवी देखते हैं, दिस इज व्हाट वी डू, सो दिस इज अ डे इन आवर लाइफ। ओके, सो दिस इज माय टाइम टू से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, आई एम होपिंग कि आपको अच्छा लगा होगा। आज का दिन निकल गया और मेरे ऑलमोस्ट 7,000 से ज्यादा स्टेप हो गए हैं आज, तो मतलब हद मचा दी है मैंने, बहुत मेहनत की। बट ठीक है यार, ठीक है ठीक है, आई एम होपफुल कि ये जो 7 डेज चैलेंज है मैं कंप्लीट कर पाऊँ। एज ऑफ नाउ इट्स गेटिंग ऑन मी, थोड़ा बहुत यू नो थोड़ा टायर्ड लगना शुरू हो रहा है, बट ठीक है, एवरी डे प्रोड्यूसिंग अ वीडियो इतना आसान नहीं है, बट ठीक है। अगर आपके पास कोई सजेशन है तो वो बताना, लाइक करना, शेयर करना, कॉमेंट करना और बहुत सारा प्यार बना के रखना।